उपेंद्र कुशवाहा पर भाजपा के मंत्री राम सूरत राय का पलटवार। भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में आज बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय पहुंचे और वहां पर तमाम फरियादी अपने जमीनी विवाद को लेकर उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने उनकी शिकायतें सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण करने का उनको आश्वासन भी दिया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह सहयोग कार्यक्रम जनता के सहयोग के लिए चलाया जा रहा है और इसमें तमाम जो जनता की समस्याएं हैं उनका निवारण किया जा रहा है और जल्द ही जमीन की सारी प्रक्रिया 3 से 4 साल में ऑनलाइन हो जाएंगी, लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भाजपा में मतभेद है, तो उस पर राम सूरत राय ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के मालिक थोड़ी हैं जो वह कह रहे हैं कि भाजपा में मतभेद है। वहीं तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि NDA गठबंधन है और 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इस कोरोना काल में 15 लाख रोजगार चले गए। इसको लेकर राम सूरत राय ने कहा कि इसका मतलब विपक्ष मान रही है कि NDA ने बिहार में 19 लाख रोजगार में से 4 लाख रोजगार दिए गए हैं। सरकार की मंशा साफ है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारा भूमि सुधार विभाग है, जब तक जमीन पर लोगों को हक हकूक कागज नहीं मिलेगा, सर्वे नहीं होगा, चकबंदी नहीं होगा, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस काम को गति तेज करने में सरकार तत्पर है, सरकार सारे मशीनरी के साथ तैयार है, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। और जनता, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से, आप लोग को भी मैंने कहा है, लेकिन आप लोग भी मुझे सहयोग नहीं करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम अगर एक साथ 12 करोड़ जनता को सुधारने जाएंगे तो नहीं सुधर सकता। हम लोग सब लोग संकल्प लेंगे, हम अपना अपना काम करा लेंगे, करवा देंगे, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, और जागरूक हुए भी आप लोग हैं। अब डिजिटल की दुनिया है तो आने वाला समय क्लियर हो इसके लिए जमाबंदी, पुस्तैनी संपत्ति का बंटवारा, पुस्तैनी संपत्ति का जमाबंदी कराने का तरीका कई एक तरीका है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी हो रहा है, कोर्ट में भी हो रहा है, और CO के यहाँ भी हो रहा है। इन सब जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। आप सभी भाई में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, पिताजी 5 भाई हैं, ये सब मिलकर के जमाबंदी क्लियर कीजिए, क्योंकि नया सर्वे चालू है, नया एरियल सर्वे हो चुका है। नया सर्वे जब चालू है उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो आपको फिर परेशानी होगी। जो आज जिस जनता दरबार में यहाँ सहयोग में जो देख रहे हैं, काफ़ी पुराना 100-100 साल का लोग विषय लेकर के आते हैं, आपको भी, आपके बच्चों को भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये कैंसर है, इसको समाप्त करने के लिए तमाम भाइयों का भी सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। जिस तरह से आप एक एक योजना विकास करवाते हैं, मूल विकास जमीन है, तभी ये कोई इस पर विकास संभव है। तो आप सब लोग जब जमीन के घर से बंटवारे से निश्चिंत हो जाएंगे, मानसिक प्रताड़ना से बचेंगे, और निश्चिंत होकर के आप दिल्ली, बम्बे, बनारस या देश विदेश के अंदर काम करते रहेंगे, और आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 से 4 साल के अंदर में एक एक चीज़, मेरा प्रयास है 2 साल के अंदर में, लेकिन एक एक चीज़ आपका ऑनलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन के माध्यम से हर काम आप कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, रसीद करवा सकते हैं, नापी करवा सकते हैं, टोटल चीज़ आने हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही इस मामले में सशक्त हैं। अभी सभी जगह आदेश दिया गया है, बहुत सारे नए बैच के कर्मचारी पदाधिकारी आ गए हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते उन पर कार्रवाई भी होती है, मेरे विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, और आने वाला समय जनप्रतिनिधि जो हैं जनता की समस्या को लेके जाते हैं। सभी लोग बात सुनते हैं, न सुनने वाले पर कार्रवाई भी होती है। सर, एक सवाल, आश्वासन और भरोसा देने से नहीं होगा, हमें मदद चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने कहा है। आपका विचार सराहनीय है, मदद किया जाएगा, मैं बात करूँगा। NDA के सभी मंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में सहयोग, जनता के सहयोग के भावना से ये काम होता है। तो मेरे विभाग के अंतर्गत जो जमीनी विवाद है, 50% तो जो मेरे पास आता है उनका अपना पारिवारिक विवाद होता है,
20-25% कोर्ट का मामला रहता है। 20-25% मामला जमाबंदी का, दाखिल खारिज का, दखल कब्जा का मामला रहता है, जिसमें जो काम जो न्याय उचित है वो काम मेरे द्वारा कराया जाता है और जनता को संतोषप्रद जवाब भी मिलता है और काम भी हो रहा है, जनता रिप्लाई भी कर रहा है। तो ये थोड़ी परेशानी है जिसका निपटारा हम लोग कर रहे हैं, आने वाला समय बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। सरकार कुछ ऐसा रूट में लोकतंत्र का यह मंदिर है, अपना अपना व्यक्तिगत विचार सबका होता है और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं, जदयू के नेता हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। लेकिन ये मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि हमारे पीएम और सीएम सक्षम हैं, जो सही होगा उनका जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा में मतभेद है, वो कौन होता है, भाजपा के मालिक है क्या, भाजपा में मतभेद है। सर एक और सवाल है, दोनों जगह है सर्वमान्यता रहेंगे, कोई वैकेंसी खाली नहीं, लेकिन राजद के तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि सर जिस दिन से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है उस दिन क्या वो पीएम क्या सीएम बनने लायक भी नहीं है। नीतीश जी का विचार है, साथ में 3 साल रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले आए, ये वही बेहतर बता सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर ले लिया जाए, 19 लाख रोजगार का वादा चुनावी दौर में किया जा रहा था, अब तेजस्वी यादव एक बार फिर निशाना साधते दिखे हैं कि 19 लाख रोजगार देना था, 15 लाख रोजगार छीन लिया गया। आपके उनके कथनों से 4 लाख रोजगार मिल गया है, 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है उनके कथनानुसार, आपने कहा स्वीकार किया ना आप, अभी सवाल हमसे किए हैं, 19 लाख में 15 लाख का रोजगार छीन लिया गया, यानी 4 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये पुष्टि विपक्षी नेता हमारे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। Thank you.